ये तो आप सब जानते ही हैं कि 29 जून को सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन एंड कैरा एडवानी की मूवी सत्या प्रेम की कथा मूवी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए 12वां दिन चल रहा है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। कार्तिक आर्यन एंड कैरा एडवानी की जोड़ी में एक पहले भी मूवी आई थी भूल भुलैया 2, जो मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस मूवी को भी ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इस मूवी को भी ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्या प्रेम की कथा मूवी ने पहले 11 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है और ये मूवी आज अपने 12वें दिन कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है और इस मूवी का बजट क्या था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हिट साबित हुई या फ्लॉप, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। सत्या प्रेम की कथा मूवी में कार्तिक आर्यन एंड कैरा एडवानी लीड रोल में देखने को मिले थे। अगर बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडिया से 9,40,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने अपने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड 12,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट था 75 करोड़। इसमें दिखाया जाता है एक लड़का है जिसकी उम्र हो गई है शादी की। वो घर वालों की नज़र में लूज़र है। वो एक लड़की से प्यार करता है। शादी तो उस लड़की के साथ होती है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर बात करें इस मूवी के पहले 10 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो सत्या प्रेम की कथा मूवी ने पहले 10 दिनों में इंडिया से 60,81,00,000 की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 84,90,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के 11वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने अपने 11वें दिन 5,25,00,000 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 11 दिनों में इंडिया से 66 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड 91 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी और ये मूवी आज अपने 12वें दिन 5,50,00,000 की नेट कलेक्शन करने वाली है। इस तरह इस मूवी ने पहले 12 दिनों में इंडिया से 71,81,00,000 की नेट कलेक्शन कर रही है। इस मूवी का बजट था 75 करोड़। इस मूवी ने पहले 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड 91 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिए। इस मूवी ने अपना बजट रिकवर कर लिया। अब ये मूवी जितनी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है वो प्रॉफिट में ही जा रहा है। अगर नेट कलेक्शन से 4 करोड़ मजीद कर रहे थे ये मूवी अपना बजट रिकवर कर जाएगी नेट कलेक्शन में, फिर ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सुपरहिट साबित हो जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।